भारत में कभी चीनी प्रोडक्ट को बैन करने को लेकर तो कभी किसी फिल्म को बैन करने को लेकर हमेशा सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम डेली कितनी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए तो बिल्कुल आम है, लेकिन विदेशों में वो चीज बैन है। शायद यहाँ किसी को परवाह नहीं है कि कंपनियां क्या बेच रही है। देश में लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ आए दिन होते हैं, कारण लोग जागरूक नहीं है और सरकारों के पास आम लोगों की समस्याओं को सुनने का समय नहीं है। यही वजह है कि देश में कई सारी ऐसी चीजें बिकती है जिन पर विकसित देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसे ही चीजों के बारे में जो भारत में तो धड़ल्ले से बिक रही है लेकिन विभिन्न देशों में प्रतिबंधित है। लाइफ बॉय सोप। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। डेटॉल सोप के बाद अगर आप किसी साबुन को सबसे विश्वसनीय मानते होंगे तो वो जरूर लाइफ बॉय सोप ही होगा। आप भी क्या करें, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट देखकर ये बात आपके दिमाग में छप गई है। लाइफ बॉय की शुरुआत 1895 में लीवर ब्रदर्स ने इंग्लैंड में की थी। उत्तरी अमेरिका में ये लगभग 1951 से सबसे अधिक बिकने वाला हेल्थ सोप था, लेकिन अब इसे अमेरिका और इंग्लैंड में नहीं बनाया जाता। FDA ने कहा है कि ये सोप यह साबित करने में विफल रहा है कि दूसरे उत्पादनों की तुलना में ये अधिक सुरक्षित या प्रभावी है। FDA के डायरेक्टर ने कहा कि उपभोक्ता सोचते हैं कि ये साबुन एंटीबैक्टीरियल है जो कीटाणु मारने व रोकने में अधिक प्रभावी है, लेकिन हमें ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है इस सोप की तुलना में। यहाँ तक कि उन्होंने सादे साबुन और पानी से की जिससे लिए हम इतने रुपए खर्च करते हैं। इसके उलट इसके अंदर मौजूद केमिकल शरीर को हानि तक पहुंचा सकते हैं, जैसे टाइक्लोसन और टाइक्लोकार्बन। लेकिन कंपनी का दावा था कि धीरे धीरे वो इन केमिकल्स को साबुन से हटा रही है। विदेश में इस साबुन का इस्तेमाल आज ज्यादातर जानवरों को नहलाने के लिए ही किया जाता है। च्युइंगम। भारत में च्युइंगम खाना भले ही आम हो, लेकिन सिंगापुर में आप च्युइंगम की खरीदी बिक्री और सेवन नहीं कर सकते। यहाँ च्युइंगम पर पूरी तरह पाबंदी है। सिंगापुर में 90 के दशक के बाद से च्युइंगम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि समय के साथ 2004 में इसमें संशोधन हुआ। ओरल बेनिफिट्स के लिए शुगर फ्री च्युइंगम खाने की अनुमति दी गई, लेकिन शुगर फ्री च्युइंगम को भी खरीदने के लिए डॉक्टर्स के पर्चे की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर च्युइंगम को किसी के भी द्वारा इधर उधर फेंकते पकड़ा जाता है तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। रेडबुल। इसके बारे में किसी ने न सुना हो ये हो ही नहीं सकता। भारत में रेडबुल लगभग हर दूसरी दुकान में आपको बिकती दिख जाएगी। हो सकता है आपका कोई दोस्त भी कूल देखने के लिए अक्सर इसे ऑर्डर करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंस्टेंट एनर्जी का पर्याय बना रेडबुल आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। यह ड्रिंक फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों में बैन है। कुछ देशों में इस ड्रिंक को सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही पी सकते हैं। इन देशों के अनुसार यह ड्रिंक हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हार्ट अटैक और दूसरी गंभीर बीमारियों को न्योता देती है। फ्रांस में 12 साल बाद बैन को हटा जरूर लिया गया, लेकिन इसमें अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। रेडबुल के करीब 6.7 बिलियन डिब्बे हर साल दुनिया भर में बेचे जाते हैं। इसे बनाने में कैफीन और टॉरिन का उपयोग किया जाता है। टॉरिन को लेकर आशंका जताई जाती है कि यह हृदय के स्तर को असुरक्षित स्तर बढ़ा सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद हाई कैफीन का स्तर भी गर्भवती महिलाओं में गर्भपात के खतरे को बढ़ाता है। इसके कारण कई मौतें भी हो चुकी है। स्टूडेंट रॉस कोनी ने बास्केटबॉल मैच के दौरान रेडबुल के 3 कैन पी लिए थे जिससे उसकी मौत हो गई। यही कुछ कारण थे जो इसे बैन की ओर ले गए। भारत में भी कई बार रेडबुल के सैंपल्स जांच में फेल हो चुके हैं जिनमें तय मात्रा से ज्यादा कैफीन पाया गया था। इसके बावजूद ये ड्रिंक आज भी धड़ल्ले से भारत में लोग पी रहे हैं। क्या आपने कभी ये ड्रिंक पी है, कमेंट करके जरूर बताएं। च्यवनप्राश। एक सामान्य भारतीय दादी हर सुबह अपने प्यारे पोते को च्यवनप्राश नहीं खिलाने के लिए अपनी बहू का सर जरूर फोड़ देगी। लेकिन क्या आपको बात पता है कि कनाडा की सरकार ने 2005 में च्यवनप्राश के कुछ ब्रांड्स के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने दावा किया कि इन च्यवनप्राश में उच्च मात्रा में लेड और मर्करी है जो किसी के भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। यहां तक कि 2007 में नेपाल सरकार ने च्यवनप्राश को आयुर्वेदिक दवाओं की सूची से हटा दिया और उस पर वैट लगा दिया।
भारत के ओलंपिक समिति के चिकित्सा आयुक्त के अनुसार 20% से अधिक च्यवनप्राश ब्रांडों में जहरीली भारी धातु और जड़ी बूटियां होती है जो पचने के बाद एनाबोलिक स्टेरॉइड बन जाती है। इसके कारण एथलीट को बैन किया जा सकता है। इसलिए भारतीय ओलंपिक एथलीटों को च्यवनप्राश के किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, लेकिन आज भी भारत में बच्चों को रोज च्यवनप्राश चटाया जा रहा है। दवाइयां, जट से जुकाम, सर्दी, बुखार और बदन दर्द को दूर करने वाली कुछ दवाइयां भारत के हर घर में मिल जाएगी, जैसे कि डीकोल टोटल, नेमुलाइड और डिस्प्रिन इस्तेमाल होती है। आम बीमारियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली यही दवाइयां है। हालांकि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत कई देशों में इन पर पूरी तरह से पाबंदी है। इनके अलावा भी ऐसी दवाइयों की एक लंबी लिस्ट है जो विदेश में बैन है और भारत में इनकी धड़ल्ली से बिक्री होती है। विदेशों में डीकोल टोटल और डिस्प्रिन को किडनी, नेमुलाइड को लीवर के लिए खतरनाक माना जाता है। कीटनाशक, भारत एक कृषि प्रधान देश है। फसल को कीड़ों से बचाने के लिए यहां बड़ी मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दुनिया भर के इंडिपेंडेंट मार्केट में प्रतिबंधित करीब 67 पेस्टिसाइड्स या खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक उर्वरक भारत में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। सरकार की ओर से गठित एक्सपर्ट कमेटी ने इस मामले की पड़ताल की। उसने कई मामलों में इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जारी रखने को मंजूरी दी, जबकि कुछ मामलों में इन्हें प्रतिबंधित किया। इनमें से कुछ के नाम कार्बेरिल मेथाइन, एसएफएड डीमेथॉट, लिंडेन फ्यूलोफॉस, फॉस्फोमिडोन आदि शामिल है। लेकिन मंजूरी दिए गए कीटनाशकों में से भी कई कीटनाशक विदेशों में बैन है, जिन्हें गर्भवती महिलाओं से लेकर जीव जंतुओं तक के लिए घातक बताया गया है। इसके अलावा मछलियों पर इनका दुष्प्रभाव होता है। खेतों से होकर पानी तालाबों में पहुंचता था, इनका सेवन मछलियां करती थी और मछलियों को माध्यम से ये मानव शरीर में पहुंच रहे थे। चिड़िया व अन्य पक्षियों पर इन दवाओं के दुष्प्रभाव देखे गए हैं। कार, भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 और कुछ अन्य जैसे कि टाटा नैनो और ह्युंडई i10 ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट में फेल हो जाने के कारण विदेश के बाजारों में प्रतिबंधित है, बैन है। इन कारों की बनावट और स्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है, जिससे कि कार के अंदर ड्राइवर और अन्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इन मॉडलों में संरचनात्मक कमजोरियों की मात्रा ऐसी थी कि फिट किए गए एयरबैग भी गंभीर चोट के जोखिम को कम करने में कारगर साबित नहीं हुए। हैरानी की बात यह है कि भारत में ऐसी सभी कारें धड़ल्ले से बेची जा रही है। शहद, 2010 में ये एक खबर आई थी कि देश में बिकने वाले ब्रांडेड शहद में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने भारत में बिकने वाले 12 ब्रांडेड के शहद के नमूनों की जांच की। इनमें कई प्रमुख ब्रांडों में से 2 से 4 एंटीबायोटिक के हाई लेवल पाए गए। शहद निर्माता कंपनियां इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बीमारियों को नियंत्रित करने और रोकने के लिए करती है, लेकिन फिर दिक्कत क्या है इसमें, चलिए हम आपको बता देते हैं। एंटीबायोटिक्स का उपयोग मनुष्यों में बैक्टीरिया के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। छोटी खुराक का लंबे समय तक उपयोग में लेने से बग इन एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी क्षमता बना लेते हैं। हाल ही में भारत को अनजाने में एक ऐसा सुपर बग बनाने के लिए दोषी ठहराया गया था जो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है, यानी उस पर इन दवाओं का कोई असर नहीं होता। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक कैंसर, अंगों की खराबी और जीन को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए अमेरिका और यूरोपीय संघ में शहद में एंटीबायोटिक्स मिलाने की अनुमति नहीं है, वहां ये प्रोडक्ट बैन है। जबकि वजन कम करने के नाम पर व अन्य फायदों के चलते भारत में इस तरह के शहद आपको हर दुकान पर मिल जाएंगे, क्योंकि अपने देश में एंटीबायोटिक्स के प्रयोग पर कोई रोक नहीं है। अनपेस्टराइज्ड मिल्क, अनपेस्टराइज दूध में कई प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया शरीर के लिए बहुत हानिकारक और जानलेवा होते हैं, और यही वजह है कि इस किस्म के दूध को डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, कोरिया और भी कई देशों में बैन किया जा चुका है। लेकिन भारत जैसे देश में फिर भी यह दूध हर नुक्कड़ और शहर की दुकानों पर बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। किंडर सरप्राइज, छोटे छोटे बच्चों की पसंदीदा चॉकलेट किंडर सरप्राइज की बात करें तो यह चॉकलेट आज भारतीय बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, परंतु विदेशों में इस चॉकलेट के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका ने 1930 में एक रेगुलेशन पास किया था जिसमें उस कैंडी की बिक्री पर बैन लगाया गया था जिसके अंदर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सिस्टेंस हो। किंडर सरप्राइज के अंदर अंडे के आकार की चॉकलेट होती है जिसके बीचों बीच एक खिलौना होता है, इसलिए इसे FDA ने बैन कर दिया, क्योंकि भैया इससे बच्चों का गला चौक होने का खतरा भी होता है।
2011 में यूएस कस्टम ने बॉर्डर पर 60,000 से अधिक किंडर अंडे जब्त किए थे। लेकिन भैया हमारे बच्चों के किसे परवाह है, इसीलिए तो अगर बच्चे भारत में कोई खाद्य उत्पाद बंद हो तो हंगामा न मचाना, ये काम तो अमेरिका वाले भी जनता की भलाई के लिए करते हैं। हम वीडियो जरूर खत्म कर रहे हैं लेकिन लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। और हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये भी बताइए कि इनमें से आप किस चीज को चाहते हैं कि सरकार तुरंत बैन करे।